तो आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ। सरकार के शायद चार मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है। तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम। आइडिया ये है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया। और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया, एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री, जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ? तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जवाब जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये मेन मेन बात है। मैं एमपी हूं तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है, और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं। मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है। आइडिया ये है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया। और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री, जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ? तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जवाब जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये मेन मेन बात है।
राहुल गांधी जी आप देश को कब तक मिसलीड करेंगे? द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क मिस्टर राहुल गांधी, हाउ लॉन्ग विल यू कंटिन्यू टू मिसलीड द कंट्री, द पीपल, 140 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया, इंडियन डेमोक्रेसी? यह बड़े सवाल ना। उनसे माफी की बात बीजेपी क्यों मांग रही है? और आज भी बीजेपी दोबारा कह रही है कि आपने विदेश में यह कहा कि अमेरिका और यूरोप को भारत के लोकतंत्र की गिरावट पर नोटिस लेना चाहिए, मतलब हस्तक्षेप करना चाहिए। आपको याद होगा कि जब मैंने ये प्रेस की थी तो कांग्रेस के मित्रों ने मुझे क्या हमला नहीं किया था। नेक्स्ट डे उन्होंने क्लैरिफाई किया था कोई स्टेटमेंट, तो हमारे बीजेपी के मीडिया सेल ने उनका ओरिजिनल भाषण जो था उसको लगा दिया, और जो मैंने यहाँ आप लोग को बोला था वो भी लगा दिया। उसके बाद कांग्रेसी खामोश हो गए। राहुल गांधी की आदत हो गई है विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। राहुल गांधी हैज मेड इट इनटू ए हैबिट टू डिरेल इंडियन डेमोक्रेसी, क्रिटिसाइज इट एंड डिमीन इट। आज भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है, डिमीन किया है, तो वो है राहुल गांधी। ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं। और इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने आज अपने प्रेस में, बाकी भाषण बहुत किया उन्होंने, आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे। आप भारत के लोकतंत्र का अपमान करेंगे, भारत की जनता के अभिमत का अपमान करेंगे, और ऊपर से लंबे लंबे भाषण देंगे। राहुल गांधी जी, आप कैसे एमपी हुए वायनाड से? भारत के लोकतंत्र ने जिताया आपको। अभी हाल में आपकी पार्टी बहुत थोड़े मेजॉरिटी से कैसे जीती हिमाचल प्रदेश में? लोकतंत्र ने जिताया ना। तो आप जीत जाएं तो ठीक है, और बाकी सफाया हो गया आपका पूरे नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां जाके विलाप करते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। आपको वोट नहीं मिलता तो आपके अपने कारनामों के कारण वोट नहीं मिलता, आपकी पार्टी के कारनामों के कारण वोट नहीं मिलता। अब देखिए, आज भारत की लोकप्रियता और मोदी जी के काम की जनप्रियता दुनिया बोल रही है। अभी जर्मन चांसलर इंडिया आए थे ना, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि नहीं किया? अभी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर आए थे ना, उन्होंने मोदी जी की सरकार नीतियों की सराहना किया नहीं की? अभी जो इटली की प्राइम मिनिस्टर आई थी, उन्होंने तो बाकायदे हैदराबाद हाउस में ही प्रेस में कहा कि मिस्टर मोदी यू आर द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड। भारत की इकोनॉमी आज दुनिया की फिफ्थ सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ये सब राहुल गांधी को दिखाई नहीं पड़ता? बेबुनियाद बेफजूल की बातचीत करना उनकी फितरत बन गई, उनकी आदत बन गई है। आज की उनकी टिप्पणी में कोई दम नहीं है। आज एक बार भी राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, इंग्लैंड में उन्होंने भारत के लोकतंत्र को एक प्रकार से अंधेरे में लाया है और अमेरिका और यूरोप के हस्तक्षेप का आग्रह किया है, इसको उन्होंने एक बार भी डिनाई नहीं किया है। राहुल गांधी जी, आपके अहंकार से तो हम लोग परिचित हैं। आप मनमोहन सरकार में ऑर्डिनेंस फाड़ देते हैं और क्या क्या सवाल करते हैं, लेकिन राहुल गांधी, आपका अहंकार देश से बड़ा नहीं है।